हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ALP कैंडिडेट को डिवीजन अलॉटमेंट और लॉबी अलॉटमेंट कैसे किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस समय असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेक्शन RRB के द्वारा हुआ है। सो एग्जाम के बाद RRB के पास ALP कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है और इसके बाद RRB पास हुए ALP कैंडिडेट को सिलेक्ट करके उनकी लिस्ट बना लेती है। अब RRB अपने जोनल हेडक्वार्टर से उनके द्वारा डिमांड की गई ALP की संख्या पूछती है तथा उनकी डिमांड के अनुसार उन्हें सिलेक्टेड ALP कैंडिडेट की लिस्ट दे देती है। अब जोनल हेडक्वार्टर अपने यहाँ के सभी डिविजनल हेडक्वार्टर से कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्ट की लिस्ट मंगाती है और उनकी मांग के अनुसार अपने यहाँ आए हुए कैंडिडेट की लिस्ट को कैटेगराइज करके अलग अलग डिवीजन में भेज देती है और इस तरह ALP कैंडिडेट को डिवीजन अलॉट कर दिया जाता है। अब डिविजनल हेडक्वार्टर इन ALP कैंडिडेट को ट्रेनिंग स्कूल भेज देती है जहाँ उन्हें मेनली दो तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रैक्शन ट्रेनिंग और ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के बाद उनके एग्जाम होते हैं और एग्जाम में जो नंबर प्राप्त होते हैं उन्हें डिविजनल हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है जहां से उन्हें एग्जाम नंबर के आधार पर लॉबी अलॉट कर दिया जाता है। जो जितने ज़्यादा नंबर लाएगा उसे उतनी अच्छी लॉबी मिलेगी। यहां लॉबी के अच्छा होने का मतलब यह है कि वह लॉबी डिविजनल हेडक्वार्टर से कितने नज़दीक है। जो जितना नज़दीक होगा वो उतनी ही अच्छी लॉबी मानी जाएगी। इस वीडियो से आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि डिवीजन अलॉटमेंट आप अपने अनुसार से नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉबी अलॉटमेंट के लिए आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जितने अच्छे नंबर लाएंगे उतनी अच्छी लॉबी आपको मिल जाएगी और अच्छी लॉबी मिलने से आपको म्यूचुअल ट्रांसफर में भी उतनी ही आसानी प्राप्त होगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।